इराक में आईएसआईएस के बंधन से रिहा हुई 46 भारतीय नर्सें आज कोची पहुंचेंगी। इराक के अरबिल से आ रहा है एयर इंडिया का विशेष विमान। आईएसआईएस ने सभी नर्सों को अरबिल एयरपोर्ट पर कुर्द अधिकारियों के किया हवाले। सभी को दिए गए पासपोर्ट, पूरी की गई सभी औपचारिकताएं, कोची के लिए विशेष विमान रवाना हुआ। नर्सों के अलावा 70 भारतीयों की भी हो रही है इस विशेष विमान से वापसी। केरल के 46 नर्सों को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने किया था अगवा, तिग्रेत के अस्पताल से बनाया था बंधक। कोची एयरपोर्ट पर परिजनों की लगी भीड़, सुबह होती ही फ्लाइट के आने का कर रहे हैं इंतजार। में खास जाति के लोगों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेहरबानी, इंटरव्यू में सिर्फ यादव जाति के उम्मीदवारों को दिया गया बम्पर नंबर। आज तक के पास दस्तावेज जिसमें यादव छात्रों को मिल रही मेहरबानी की खुली पोल, ज्यादातर उम्मीदवारों को 136 से 140 नंबर। पिछड़े वर्ग में 86 उम्मीदवारों को चुना गया है जिनमें से 50 यादव जाति से, कुछ को छोड़कर यादव जाति में सभी उम्मीदवारों को मिले 135 से 40 के बीच नंबर। यूपी पीसीएस में इंटरव्यू का योग 200 नंबरों का, नियम के अनुसार किसी उम्मीदवार को 140 से ज्यादा नंबर दिए जाने पर आरओ को देना होता है रिमार्क। यूपी पीसीएस के सचिव अनिल कुमार यादव की सफाई, कहा आयोग की कार्य प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, उम्मीदवारों को योग्यता के हिसाब से मिलते हैं अंक, इसमें जाति या धर्म बिल्कुल गलत। गोवा के गवर्नर वांचू ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने से पहले सीबीआई ने गवर्नर से की थी पूछताछ। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में हुई पूछताछ, बतौर गवाह सीबीआई ने दर्ज किया बयान। सूत्रों के अनुसार 2005 की उस कमेटी की बैठक का हिस्सा थे वांचू जिसने हेलीकॉप्टर के तकनीकी बदलावों पर लिया था फैसला। गोवा के गवर्नर से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर से भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। पूछताछ के बाद एम के नारायणन ने भी दिया इस्तीफा। मुरादाबाद पुलिस ने चारों सांसदों को रिहा किया। सांसद संगीत सोम, सत्यपाल सिंह, नेपाल सिंह, सर्वेश सिंह को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। महापंचायत रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था जमकर बवाल। पथराव में मुरादाबाद के डीएम चंद्रकांत घायल, सिर पर लगा पत्थर, कार्यकर्ताओं ने ट्रेन भी रोकी। लोकसभा स्पीकर ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक से बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा, कांग्रेस नेता विपक्ष के लिए अड़ी। कांग्रेस ने भी आज बुलाई है पार्टी की बैठक, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह बैठक में होंगे शामिल, बजट सत्र को लेकर पार्टी बनाएगी रणनीति। जेडीयू के 4 विधायकों की सदस्यता पर आज होगा फैसला, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए जा सकती है सदस्यता। ज्ञानेंद्र ज्ञानू, रविंद्र राय, नीरज बबलू, राहुल शर्मा की सदस्यता पर चल सकती है तलवार, अजीत कुमार को 2 दिन पहले भेजा गया है नोटिस। मिस बनाम प्रीति के केस में आज मुंबई पुलिस और गवाहों को बुला सकती है नेस ने दी थी गवाहों की लिस्ट। हरिद्वार में जुटे साधु संतों की चेतावनी, बाज आए साईं भक्त नहीं तो उनके खिलाफ शुरू किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। मैं एक बार पुनः चेतावनी देना चाहता हूं कि साईं समर्थक सावधान हो जाएं, नहीं नागा सन्यासी लोग जगह जगह तोड़ फोड़ मूर्तियों के करने लग जाएंगे, उससे देश में शांति फैल जाएगी। संतों की चेतावनी से नाराज साईं भक्त, दिल्ली साईं ट्रस्ट ने कहा मूर्ति तोड़ने से नहीं होगा समस्या का हल। मोदी ने कटरा नई दिल्ली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, माता वैष्णो देवी के भक्तों को कटरा तक सीधी ट्रेन का दिया तोहफा, श्री शक्ति एक्सप्रेस नाम बताया।
श्री शक्ति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद श्रीनगर पहुंचे मोदी, जवानों का बढ़ाया हौसला, सुरक्षा हालात का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी ने उरी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, कहा ट्रांसमिशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सरकार देगी बढ़ावा। व्यापम घोटाले में पुलिस आरक्षक भर्ती केस का एसटीएफ ने पेश की चार्जशीट, 1400 पन्ने की चार्जशीट, 13 जेल में, 29 जमानत पर। घोटाले में जेल में हैं पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं के रिश्तेदार भी फंसे। यूपी में कन्नौज में पेंशन पाने के लिए स्वागन बनी विधवा, 315 अपात्र लोग उठा रहे हैं पेंशन का फायदा। उधमपुर कोटा एक्सप्रेस में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से उगाही करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार, यात्रियों ने किया पुलिस के हवाले। फरीदाबाद में छात्र की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ मामला, 1 गिरफ्तार, 11वीं में पढ़ता था नरेश, पड़ोसी पर लगा हत्या का आरोप। दिल्ली के सीलमपुर में रोड रेज की घटना, साइड नहीं देने पर फोड़ दिया आंख, अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे महेंद्र, रास्ते में दो बाइक सवारों ने मांगी थी साइड। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुत्ते को लेकर दो परिवारों में लड़ाई, 1 की मौत, 3 घायल, पार्क में टहलाते वक्त दोनों परिवारों के कुत्ते आपस में भिड़ गए थे। यूपी के शामली में ब्लैडमैन का आतंक बच्चों को कर देता है जख्मी, 18 बच्चे बन चुके हैं शिकार, पुलिस ने 5000 रुपए का रखा इनाम। यूपी के बिजनौर में तालिबान का पंचायत में एक तालिबानी फरमान, लड़के लड़कियों के मोबाइल रखने पर लगाई पाबंदी। मुजफ्फरनगर के गांवों में पंचायत का अजीब फरमान, गैंगरेप की शिकार युवती का आरोपी से निकाह कराया, इसी हफ्ते 2 लड़कों ने किया था गैंगरेप, गांव वालों ने पंचायत कर निकाह का किया फैसला। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को धमाकों का अफसोस नहीं, एटीएस को बयान में कहा अपने कारनामे पर खुशी। दिल्ली के मुनीरका में लड़की पर चाकुओं से हमला, 10 से ज्यादा घाव, आरोपी ने खुद थाने में किया सरेंडर। शिमला में लगा नेशनल बुक फेयर, बुक फेयर में लगे 25 पब्लिशर्स के स्टॉल, कल आखिरी दिन। नासिक के गांव खेड़ तहसील में किसान ने हेलीकॉप्टर में किया बेटी को विदा, कर्ज लेकर पूरी शानो शौकत के साथ की शादी। लड़की के पिता की दलील, जब राजनेता कर सकते हैं खर्च तो किसान की बेटी क्यों नहीं हो सकती हेलीकॉप्टर में विदा। शादी में जबरदस्त शानो शौकत दिखाई गई, किसान की बेटी को इस शानो शौकत के साथ किया गया विदा। जर्मनी की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस को हराया। बेहद रोमांचक कड़े मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को 1-0 से हराया। इकलौता गोल पहले हाफ के 13वें मिनट में हुआ, फ्री किक पर मैट हैमुल्स ने हेडर से गोल किया। फ्रांस के स्ट्राइकर बेंजेमा को बराबरी करने के कई मौके मिले मगर वो हर बार चूके, वर्ल्ड कप के इतिहास में जर्मनी की फ्रांस पर 30वीं जीत। सेमीफाइनल में ब्राजील से होगा जर्मनी का मुकाबला, ब्राजील ने कोलंबिया को क्वार्टर फाइनल में 2-1 से हराया। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार वर्ल्ड कप से बाहर, कोलंबिया के जुआन से हो गई थी भिड़ंत, चोट की वजह से अस्पताल ले जाया गया, सर्जरी की जरूरत नहीं बताई लेकिन डॉक्टर ने आराम करने की दी सलाह। होंडुरास में सोने की अवैध खदान में फंसे मजदूर, लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया रास्ता। हॉलैंड में 28 साल की सजा काट रहे अपराधी ने शादी की, 24 साल की दुल्हन से जेल के अंदर की शादी।